शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु की मौत पर परिजनों का हंगामा। लापरवाही के लिए आरोप, जांच कमेटी गठित। नॉर्मल डिलीवरी के समय शिशु का सिर फंसने से हुई मौत। परिजनों का आरोप, डिलीवरी के समय ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर कमरे में सो रही थी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो जाने पर शुक्रवार की सुबह परिजनों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उन्हें शिशु की जान चली गई है। सुनिए क्या है पूरा मामला। आपका? मेरा नाम जसपाल भारती है। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल में अभी आप आरोप लगा रहे हैं किसी बच्चे के खत्म होने का, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि सुबह 3:30 बजे डिलीवरी होना थी ना, और डॉक्टर नर्स हमें डिलीवरी के लिए अंदर ले गए। अच्छा, प्रसूता का नाम क्या था? प्रसूता का नाम है नेहा। कहाँ की रहने वाली है? ये शिवपुरी कमलागंज की रहने वाली है। अच्छा, कब लाए थे आपने यहाँ को? हम इनको परसों शाम के टाइम हमने भर्ती कर दिया था। परसों मतलब कौन से बार को या तारीख? बुधवार को। बुधवार को, बुधवार को शाम को भर्ती कर दिया था जी। और कल पूरे दिन भर ये हॉस्पिटल में भर्ती रही। इनको दर्द के इंजेक्शन डॉक्टर दिव्या मैडम ने उन्हें दिए, और मतलब उनको शाम को भी जाँचें कराई। सारी जाँचें नॉर्मल आई। रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद इनने ये बोला कि हम डिलीवरी नॉर्मल कराएंगे, जबकि हमने बोल दिया कि आप इनको ऑपरेशन से भाई डिलीवरी करा दो, हम दर्द हम नहीं देख पाएंगे। हमने कई बार मना किया, ऑपरेशन की बोला, पर ये नहीं मानी। इनने ये बोला कि हम नॉर्मल कराएंगे, तो नॉर्मल के वेट में हम रात भर से जग रहे हैं। और सुबह 3:30 बजे जब इनको पेन ज़्यादा होने लगे, तो उनको ये वहाँ ले गए अंदर नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। लेबर रूम में, डिलीवरी लेबर रूम में ले गए, तो नर्सें ले गई केवल इनको, और डॉक्टर अंदर सो रहे थे। और नर्सों ने ये भी नहीं बोला कि भाई डॉक्टर क्या कहते हैं अंदर आओ, और फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप अभी देख लो, जब जरूरत पड़े तभी बुलाना भाई। तो ये अंदर चले गए और उन्हें आराम से वो डिलीवरी कराए थे। अब डिलीवरी कराते समय डिलीवरी कौन करा रहा था? नर्सें करा रही थी। नर्सें करा रही थी, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था? नहीं, डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था। बुला लेना जी। जब मतलब डिलीवरी हो रही थी, तो लड़के का सर फंस गया था। जो सिस्टर बता रही थी वहाँ पे हमारी चाची मौजूद थी, और लड़की, चाची का नाम क्या? चाची का नाम है इंद्रा। अच्छा, वो वहीं पर मौजूद थी जब डिलीवरी चल रही थी, जब नर्सें करा रही थी जी। तो उस लड़के का सर फंस गया, तो नर्सें घबरा गई, और घबरा के वो डॉक्टरनी के पास पहुंची, और डॉक्टरनी को बुलाया गया, और डॉक्टर सोते हुए उठे एकदम अचानक। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि काफी 5 मिनट निकल गए थे तब तक, और लड़के का सर फंसा रहा। तो लड़का ने सांस लेना बंद कर दी, और उसकी धड़कनें बंद हो गई। और ये हमें इस बहाने से बोलने लगे कि भैया अभी लड़की की धड़कनें कम चल रही हैं, और इस बहाने इन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया। उसके 1-2 घंटे बाद हमसे अब जी बॉडी हैंड ओवर करने लगे। जब हम लोगों ने थोड़ा हंगामा किया, फिर 1-2 घंटे बाद दूसरी डॉक्टर नहीं आई जाँच के लिए। अब वो बोल रही है कि आपके बच्चे की धड़कनें चल रही हैं, जबकि 1 घंटे पहले हमें बॉडी हैंड ओवर कर रहे, अब 1 घंटे बाद आया कि वो जिंदा हो गया बच्चा। नहीं, अभी हम जब वहाँ गए थे तो हमें भी ये बताया जा रहा है कि बच्चा वेंटिलेटर पर है शायद। ये गलत बोल रहे हैं, और बॉडी हैंड ओवर करने के लिए हमसे साइन करवा रहे थे, हमने साइन नहीं करने से मना कर दिया। अच्छा, करीब 1 घंटे पहले ऐसा? 1 घंटे पहले साइन करवा रहे थे हमसे बॉडी हैंड ओवर करने के लिए, और ये अभी जिंदा होने की बात कर रहे हैं। मतलब आपका आरोप है कि ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वीडियो है हमारे पास, और जो भी है आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप वीडियो है। और मैं तो ये चाह रहा हूँ आप सीसीटीवी कैमरे में इनका क्लियर भांडा फोड़ सकते हो। सीसीटीवी इनके क्लियर है, जो कुछ बताएगा ये सो रही है, क्या कर रही है, डॉक्टर कौन ड्यूटी रूम में है कि नहीं है, ये सीसीटीवी में क्लियर पता चल जाएगा जी। नेहा की कौन सी डिलीवरी थी? ये फर्स्ट डिलीवरी थी, और बड़ी भाई मन्नतों से इन लोगों ने कहाँ का माता टेका, और कितनी खुशी थी पूरे परिवार में, पूरा घर को इन्होंने माता में बदल दिया है। अच्छा, इस वक्त नेहा की क्या पोजीशन है? नेहा भाई अभी इसको हमने ये सदमे के बारे में नहीं बताया, अगर उसको बताएंगे तो उसको काफी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है उसकी, उसको हम बचाने के चक्कर में उसके राज नहीं खोल रहे हैं अभी जी। उसकी हालत सामान्य है नेहा की, या नेहा को भी कोई प्रॉब्लम बताएं? नहीं, नेहा तो अभी ठीक है, पर जो है कि हम उसको बताना अभी सच्चाई नहीं चाह रहे, क्योंकि उसकी तबीयत एकदम बचाने बिगड़ जाएगी अगर। अच्छा, अभी तक हॉस्पिटल प्रबंधन, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कोई आपसे आया है, कोई बात की नहीं आया? केवल वो डॉक्टर नहीं आई है जिनने अभी तक उसका ट्रीटमेंट ही नहीं किया। अच्छा, अभी आप यहाँ पर डीन के ऑफिस के बाहर खड़े हुए, डीन के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, अभी तक डीन ने या किसी और प्रबंधन ने, हॉस्पिटल प्रबंधक ने? 1 घंटे से ही बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, और अभी तक कोई नहीं आया। और आई केवल एक डॉक्टर नहीं आई, वही पुलिस के साथ में आई, और वो बोले कि मुझे आपका पूरा केस मालूम है। केस कैसे मालूम, जबकि उन्होंने ट्रीटमेंट किया ही नहीं है, ना उन्होंने इलाज किया, और वही बोल रही कि बच्चा तुम्हारा जिंदा है, अगर जिंदा है तो हमें जिंदा वापस दे दो बच्चा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर बच्चा हमें जिंदा चाहिए, अगर उन्होंने बोला है तो हमें जिंदा बच्चा वापस कर दे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस की पूरी फाइल वो हमें सौंप दें,
और हम तो भाई जो भी होगा हम तो बस केवल न्याय चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो। कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। अन्य लोग काफी लोग शिकायत कर रहे हैं, आप तो अंदर कॉरिडोर में जाओगे तो आपको इतना गंदा नेचर है इन लोगों का, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे अपन कीड़े मकोड़े हों। गरीब आदमी को तो इंसान अच्छा, नहीं समझते। अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? हम देखो भाई चक्का जाम करेंगे या घेराव करेंगे यहाँ पे, और जो भी होगा हमसे जो बन सकेगा इंसाफ के लिए हम वो पूरा कदम उठाएंगे। अगर बच्चे की कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए पीएम की बारी आती है तो पीएम करवाने तैयार हो जाएंगे आप? ये क्यों भाई, पीएम कराएंगे अगर ऐसा होता है तो? हाँ कराएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कराएंगे, पर हमें न्याय चाहिए। लापरवाही से वो डिलीवरी की गई और जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई है, क्या पूरा मामला है और क्या आगे की कार्रवाई इसमें हो रही है? डॉक्टर का भी पक्ष जाना था, उनका कहना था कि हम दूसरे पेशेंट को देख रहे थे, जो भी सच्चाई है एक जांच कमेटी बना रहे हैं उसमें सामने आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। अच्छा सर एक चीज़ और, इनका आरोप है कि जिस वक्त डिलीवरी हो रही थी उस वक्त वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थी, सब जो जच्चा और क्या कहते हैं नर्सेज थी उनके द्वारा डिलीवरी कराई जा रही थी, तो क्या यही प्रोविजन है कि नर्सेज हेल्प करती है और डॉक्टर खड़ा रहता है वहाँ पे, पर उस वक्त कॉम्प्लिकेशन आते डॉक्टर देखने से उस टाइम मौजूद नहीं थे, उस वक्त मैं दिखवाना पड़ेगा वो सीसीटीवी में जी। सर एक एक पलंग पर और एक चीज और, एक एक पलंग पे दो दो इसलिए है कि हमारे पास जो अलॉटेड पलंग है 30 ही है और पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं तो उनको लौटा तो सकते नहीं, गरीब पेशेंट है कहाँ लौटाएंगे, तो उनकी इच्छा से वो एक पेशेंट पे दो हैं, कोई जबरदस्ती नहीं रखा है उनको, उनको पहले बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ पेट कम है आपको एडमिट होना है, और हमारे डॉक्टर डबल काम कर रहे हैं, 30 को देखना है 60 को देख रहे हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे इनका आरोप है कि जब बच्चा हुआ था तो अब्रॉड डेड हो गया था वो, क्योंकि वो डिलीवरी के समय डेड हो गई थी उसकी, और उसके बाद आपके स्टाफ ने उसको जिंदा बताते हुए वेंटिलेटर पे होना बताया और अभी तक बताया ये, जबकि इनको 7:30 बजे है ना डेड बॉडी देने तैयार थी। नहीं वेंटिलेटर पर रखा था उसको, ये सही बात है, पहले डेड बॉडी देने पहले डेड बॉडी देने तैयार थी उसके बाद उसको जिंदा बता रहे हैं। अच्छा वो मैं दिखवाता हूँ,